कितना कहते हैं 69% लोगों को आप ये कहोगे मेजोरिटी को कि तुम साबित करो अपनी नागरिकता, ठीक। तो बर्डन ऑफ प्रूफ के मुताबिक कि बर्डन अगर हम पे डाल रहे हो तो आज की डेट में डाउटफुल सिटीजन सब हो गया हिंदुस्तान का। तो जब डाउटफुल हो गया तो किसी को हक नहीं है कि वो पावर में बना रहे, पहले तो गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए, पहले गवर्नमेंट को रिजाइन, क्योंकि ये इलीगल गवर्नमेंट हो गई ना। आपने हमसे वोट लिया आईडी कार्ड पे, आईडी जो हमारा है वोटिंग आईडी, वोटर आईडी है, ठीक है, वोटर आईडी को आप अब नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब हम इलीगल हो गए। तो जो वोट दिया आपका वो भी तो इलीगल हो गया, आपका वोट जो दिया आपको इलीगल हो गया कि नहीं, तो यू गवर्नमेंट इज इलीगल। सिंपल सा है, जिसकी वोट से आप जीत के आ रहे हो उसको कह रहे हो कि तुम्हारा सिटीजनशिप डाउटफुल है तो योर गवर्नमेंट इज ऑल्सो इलीगल, यू रिजाइन इट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दम नहीं है कि लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज कर रखा है आपने, उनको भी डरा रखा है, वो किसी के खिलाफ ईडी लगा रखा है, किसी के खिलाफ सीबीआई लगा रखा है, किसी के खिलाफ इनकम टैक्स का डायरेक्टर लगा रखा है। तो ये तो कोई तरीका नहीं, तो कंप्लीटली इंटायरली डिक्टेटरशिप है। तीसरी चीज ये है, ये कह रहे हैं इनके लोग, ये कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ नहीं, इनके कुछ जो है बिके हुए वकील जो इनके आरएसएस के भी हैं। तो अब आप ये बताओ कि क्लासिफिकेशन होता है लेजिस्लेशन में, ये कलरेबल लेजिस्लेशन है। कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब है कि इन सब का अधिकार, वोटिंग राइट्स आप छीन रहे हो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इसको संविधान में कहा जाता है कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन का यह मतलब होता है कि आपने लेजिस्लेशन ऐसा बनाया है कि जो ऊपर से दिखता कुछ और है और उसका रिजल्ट इंप्लीमेंट होगा तो उसका कुछ और होगा, उसको कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत सारी जजमेंट्स हैं इसकी। तीसरा जो पॉइंट इसमें आता है कि ये फोर्सफुल लेजिस्लेशन है, यू आर फोर्सिंग समवन, किसी को आप उस पर फोर्स डाल करके ये कह रहे हैं, लीगली फोर्स कर रहे हैं। तो ये लॉ जो किसी को फोर्स करता हो, एनी लॉ व्हिच फोर्सेस समवन, ठीक है ना, फोर्सेस समवन टू गिव अप देयर फंडामेंटल राइट्स, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो ये दो चीजें होंगे। और तीसरी चीज ये है कि ये तो आप ब्राह्मणिकल सोसाइटी बनाने के चक्कर में हो ना, ये तो साफ झलक रहा है, क्योंकि ये चारों कैटेगरी निकल जाए, अगर एससी एसटी दलित आदिवासी और द्रविड़ियन निकल जाए, मुस्लिम्स निकल जाए, तो बाकी तो 14% रह जाएंगे, तो यही देश को रूल करेंगे। तो ये तो डिक्टेटरशिप पूरा चल रहा है ना, जहां भी है। अब बात नहीं सुननी है, डेमोक्रेसी में बगैर डिस्कशन के, डिबेट के, दोनों साइड से वकील खड़ा होता है ना, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि दोनों तरफ से लोग की बॉडी बनाएं और वो बैठ के कहीं फेयर डिबेट करें। वो कह रहे हैं ना कि हम समझा देंगे, तो हमें समझाएं, अरे समझाओ, तुम भी लीगल टीम ले आओ, हम भी लीगल टीम लेके खड़े हुए रहते हैं और दोनों आदमी साथ सामने बैठते हैं, कोई उसमें कोई कटछट नहीं होगा। लीगल डिबेट जब होगा, टीवी का कोई एक शो कर लो और उसमें कोई ऐड नहीं आएगा, कोई कटशॉट नहीं होगा। जैसे हम आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, तुम भी आर्गुमेंट्स कर लो, आवाम जज कर लेगी हिंदुस्तान की कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है ना, उनको भी समझ में आ जाएगा ना कि बात सही है कि नहीं है, जज कर लेगी। तो ये करना नहीं चाहते हो, आप अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो, ये देने के लिए लेने के लिए नहीं है, फिर इसको चेंज करते हो, कहते हो एनपीआर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के लिए तो सेंसस एक्ट ऑलरेडी है जिसके तहत हर 10 साल पे जनगणना होती है, कभी नहीं जनगणना कर रहे हैं, पॉपुलेशन वर्ड से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो हमेशा, ये कह रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें जो है, और कह रहे हो कि मुस्लिम अफेक्टेड नहीं है, मुस्लिम को जब डाउटफुल में तो आराम से डाल दोगे, कैसे डालोगे, जो हुआ आपको आसाम में कि ऐसा है, क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन जो आप एनपीआर में मांग रहे हो वो 20 इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, ठीक, मान लीजिए 15 आदमी ने 20 इंफॉर्मेशन दी और उसको वेरीफाई करके 5 आदमी करेक्ट पाया गया, 5 आदमी अंदर क्लियर हो गया, अब बचे 10 में से 5 मुस्लिम और 5 हिंदू, ठीक है, हो सकते हैं। तो 5 जो मुस्लिम बचे, मुस्लिम्स के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा, कहोगे कि तुम हिंदुस्तान छोड़ के जाओ या तुम भी इसमें एप्लीकेशन दे दो, तुम भी हिंदू बन जाओ, क्योंकि उसमें मुस्लिम का कलम नहीं है। इससे लीगली फोर्सफुल कन्वर्जन, लीगली जो आर्टिकल 25 से डायरेक्ट हिट हो जाता है, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच प्रैक्टिस प्रोपेगेट रिलीजन फेथ, डायरेक्ट क्लियर है, हिट हो रहा है। या मुस्लिम के पास तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ोगे ना, या तो देश छोड़ के जाओ या डिटेंशन सेंटर में जाओ या फिर तुम हिंदू हो जाओ, राइट। तो ये अनलॉफुल नहीं हुआ, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, किस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसका, क्योंकि आपने वहां से मुस्लिम को निकाला है किस पर्पज से, किस पर्पज से, और ये कंट्री तीन ही डाला है, कौन से 3 कंट्री डाला, अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश, ताकि दुनिया को दिखा सके कि मुसलमान कहां से आ सकते हैं, यहीं से, श्रीलंका को नहीं डाला आपने,
नेपाल को नहीं डाला आपने, भूटान को नहीं डाला आपने, आप समझ रहे हैं। तो नेपाल भूटान ये जिनका जो है ये बॉर्डर सटा हुआ है, तो वो बॉर्डर